गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है अनंत भक्ति। प्यारी सत्संगत जी, हम अक्सर महात्मा आशीर्वाद दिया करते हैं कि दातार आपको अनंत भक्ति का वरदान दे। कि अनंत भक्ति है क्या? भक्ति तो हमने सुना है कि भक्ति में शक्ति होती है, भक्ति करना चाहिए, लेकिन ये अनंत भक्ति क्या है? तो दास ने भी जब सोचा, विचारा इस पे कि अनंत भक्ति का वरदान मिले तो अनंत भक्ति किसने की, कैसे की, तो बहुत इसमें गहन विचार विमर्श किया। तो दास के दिमाग में एक बात आई कि भक्ति तो सब करते हैं, संसार करता है, किसी न किसी रूप में परमात्मा को सब याद कर रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, और आज हम भी ब्रह्म ज्ञान के बाद भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म को जान के, इस निराकार पावन परमात्मा को जान के। सारे जितने भी संत निरंकारी मिशन के संत हैं, सब भक्ति कर रहे हैं। तो भक्तों की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन अब बात फिर से आपके यहाँ पर रुकती है कि अनंत भक्ति क्या है। तो अनंत भक्ति, कबीरदास जी, संत कबीरदास जी, जिनका आज तक हम नाम लेते हैं, हम कबीर दास जी की वाणियां पढ़ते हैं, तो ये अनंत भक्ति यानी अनंत काल तक इनका नाम रहेगा। जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे ना, ये दुनिया रहेगी, तब तक संत कबीर दास जी का नाम रहेगा। तो अनंत काल तक जिनका नाम अमर हो गया, तो इन्होंने की अनंत भक्ति। भक्त हनुमान जी थे तो वो द्वापर युग में, लेकिन आज तक हम उनका नाम लेते हैं। तो हनुमान जी को अनंत भक्ति का वरदान मिला। संत तुलसीदास जी, जिनकी हम लिखी रामचरितमानस हम आज गाते हैं, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, आज हम उनका नाम लेते हैं। मीराबाई जी का हम नाम लेते हैं, संत तुकाराम जी का हम नाम लेते हैं, मुक्ताबाई जी, संत वैतन्ना जी, संत वैमन्ना जी, सुदामा जी, माता सबरी जी, बहुत सारे भक्त हैं। भक्त प्रहलाद जी वो सत्युग के टाइम पे हुए थे, लेकिन आज तक उनका नाम चल रहा है। तो उस टाइम पे उन्होंने भक्ति की, परमात्मा की, और हम आज तक उनका नाम ले रहे हैं, मतलब उन्होंने अनंत भक्ति की, उन्हें अनंत भक्ति का वरदान मिल गया। अब यहां पर एक बात और है कि ब्रह्म ज्ञानी तो वो भी थे, संत कबीरदास जी के पास जो ब्रह्म ज्ञान था, यही ब्रह्म ज्ञान तो हमें भी मिला है। आज हमारे सदगुरु जी हमें भी यही ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। जो संत कबीरदास जी के पास ये ब्रह्म ज्ञान था, तो यही ब्रह्म ज्ञान आज हमें मिला है, जो मीराबाई जी को मिला था। तो मीरा हो गई, कबीर तो कबीर बन गए, हनुमान तो हनुमान बन गए, लेकिन क्या हम भक्त बन पाए हैं? ये खुद के अंदर टटोलना पड़ेगा कि हम बात करते अनंत भक्ति की, कि हमें अनंत भक्ति का वरदान मिल जाए, तो अपने अंदर इस बात को झांकी मारना है कि क्या वास्तव में हम भक्त बन पाए हैं, क्या हमारी अवस्था उन महान भक्तों के जैसी हुई है, क्या हम संत कबीरदास जी बन पाए हैं। क्योंकि जब यही ज्ञान, यही परमात्मा जब उनको मिला, तो उन्होंने अनंत भक्ति की, भक्ति करे पाताल में प्रकट करे आकाश। हनुमान जी ने भक्ति की, दिन रात मगन थे राम में वो, और राम के सिवा कोई काम था नहीं उनके पास, सिर्फ राम राम राम। तो वो भक्ति जो वो कर गए, तो आज वो अमर हो गए, उनका नाम अमर हो गया। तो क्या हमारे जीवन में भी इस तरह की भक्ति है? हम भी ब्रह्मज्ञानी हैं,
खुद से पूछना पड़ेगा आज ये बात कि क्या मैं खरा उतरा हूं अपने सदगुरु के वचन पे। हमारे सदगुरु जी क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं, तो क्या हमने सदगुरु की बात को माना। सदगुरु हमें किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। सदगुरु हमें कहते हैं निरंकार के साथ जुड़िए, ये ब्रह्म ज्ञान दिया हमें, इस निरंकार के साथ जोड़ दिया गया। तो हम कितने पल इस निरंकार के साथ कनेक्ट रहते हैं, खुद से पूछना है, क्योंकि हमारे बारे में हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, परमात्मा जानता है, इन सद्गुरु निरंकार जानता है, और हम जानते हैं हमारे बारे में। और दुनिया में और कोई दूसरा हमारे बारे में नहीं जानेगा। तो हम भक्ति करने आए हैं, तो क्या हम वास्तव में भक्ति कर रहे हैं, या अभी भी कुछ डिमांडिंग हमारी सिचुएशन है कि हम भक्ति में डिमांड कर रहे हैं। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने ये बात हमें समझाई। तो अगर हम आज भी डिमांडिंग की भक्ति कर रहे हैं, कुछ मांग रहे परमात्मा से, तो फिर पूछना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। खुद से ही एक सवाल है और खुद ही हमें जवाब मिल जाएगा कि चार भक्तों का जिक्र भगवान कृष्ण जी ने भगवद गीता में किया है, अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्न अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बरतर सब। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं, तो इन चारों भक्तों में अनंत भक्ति वाला भक्त कौन सा है। तो आर्त भक्त का जिक्र किया गया कि दुख तकलीफ में वो मुझे याद करता है, अर्थार्थी दुनियावी धन दौलत प्रॉपर्टी के लिए मुझे याद करता है। एक होता जिज्ञासु भक्त, जिसके मन में जिज्ञासा होती है मुझको प्राप्त करने की, मुझको जानने की, और एक भक्त जो मुझको जान लेता है, ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी भक्त। तो भगवान ने यहां तक कह दिया कि ज्ञानी भक्त तो मेरा रूप होता है, ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आत्म निरंकार। तो यहां पर जो ब्रह्मज्ञानी है, जो निरंकार हो गया, मुझको जानकर मुझ में मिल गया, मेरा रूप हो गया। जब बूंद सागर में मिल जाती है तो महासागर बन जाती है। तो ऐसा भक्त जिसने अपने आप को मिटा दिया, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को मिटा दिया, अपनी मैं को मिटा दिया, वही मेरा रूप होता है, जिसके अंदर भी मैं है, ईगो है, घमंड है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार आ गया है, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो यहां पर सूक्ष्म अहंकार, मान मुनि मुनिवर गले मान सबे को खाए, मार आ गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो ज्ञान का ही अभिमान होता है, मैं तो बहुत अच्छे विचार कर लेता हूं, मैं तो बहुत ही अच्छा प्रवक्ता हूं, मुझे कोई पद पोस्ट मिल गया तो हमें उसका अहंकार, मैं तो अच्छे गीत गा लेता हूं, जब मैं गीत गाता हूं तो लोग तालियां पीटते हैं, तालियां बजाते हैं, मेरी वाहवाही करते हैं, तो ये वाहवाही का भी एक सूक्ष्म अहंकार, मान बड़ाई पाने की चाहत, ये भक्ति में बाधक है, मान बड़ा एक जहर है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि भक्त को मान सम्मान यश और कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त अमानी होते हैं हनुमान जी की तरह, कि अपने मान का हनन कर दिया। हनुमान जो अपने मान बड़ाई को तस दे, हनन कर दे, वही हनुमान है। तो यहां पर बात की जाती दासों के दास बनने की। सदगुरु स्वयं दासों का दास अपने आप को कहते हैं कि मैं दासों का दास, तू शाहों का शहंशाह, मैं दासों का दास। सदगुरु स्वयं को दास कहते हैं, दासों का दास कहते हैं। और कहीं हमारी अवस्था तो बॉस वाली नहीं है कि हम लोगों को हुक्म चला रहे हैं, लोगों
फिर रौब झाड़ रहे हैं, ज्ञान लेने के बाद भी, ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी। तो इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हमने इस बात को समझ लिया, सोच लिया, जान लिया, तो फिर मुबारक है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।